हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी का क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से, और जानेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नोटिफिकेशन है, क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजरत बाग हजराई बाग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो निकाला गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की डिफरेंट वैकेंसीज को यहाँ पे जो निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंट पोस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे जितने सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंट पोस्ट निकाली गई है, चाहे वो बात करें इंग्लिश की, चाहे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट सबके लिए यहाँ पे जो है वैकेंट पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक देखने वाली बात यह भी है कि यहाँ पे जो है जो वैकेंट पोस्ट यानी किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ कि कितनी कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी है, ST में 3, SC में 1, BC 1 में 1, BC 2 में 1, EWS में 1, तो ऐसे अगर 12 वैकेंसी जो है वो इंग्लिश में है। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पे वैकेंसीज हैं कि नहीं, तो उसकी बेस पे जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे आपको कोई भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपका यहाँ पे नेट्स, जेट्स, लेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और यहाँ पे जो PhD है, मतलब अगर आपने जो PhD स्टेशन है वो आपने 2009 से पहले किया है, तब भी आपको यहाँ पे कोई भी नेट, स्लेट या जेट की लाइक जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे लाइक आपको कितना स्टाइपेंड सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको या तो 600 रुपीज़ पर लेक्चर मिलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम जो आप यहाँ पे जो अपना सैलरी है वो पा सकते हैं 36,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अब अगर बात करें इस अपॉइंटमेंट की, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये जो है पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, तो यहाँ पे आपको जो है ये जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड बाई JPSC, या आपको ये जो अपॉइंटमेंट ये आपकी मिनिमम 3 ईयर्स तक तो रहेगी, उसके बाद ये अगर अगर जो JPSC है वो अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं निकालता तो आपको ये जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट। अगर बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जो है अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, वहीं अगर आप SC ST PH या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 700 रुपीज़ जो है वो पे करना है। अब पेमेंट जो आपको करना है वो डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में करना है, तो इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, पेबर है हजारीबाग, तो इस फेवर में आपको जो है DD बनाना है। तो अगर बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने की 18 फरवरी है शाम 4 बजे तक, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या मतलब कि VBU यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई लाइक ऑलरेडी जो है पढ़ा रहे हैं और आप जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो जैसे मैं बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2021 को जो है वो रिलीज किया गया था, ठीक है। तो ये कि तो ये नोटिफिकेशन हो गया। अब देखिए दूसरा नोटिफिकेशन, तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आया है सैयद अम्माल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से, कोटमपल्लू विलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चरर्स की जो है वैकेंसीज को मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो तमिल हो, इंग्लिश हो, BBA, BCom, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BCA, तो ऑलमोस्ट सबकी सारी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी PG डिग्री आपके पास होना चाहिए विद सेट, नेट या PhD। अगर आपका PhD तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो है वो आपकी 15 फरवरी 2021 है। अब हम बात करें दूसरे नोटिफिकेशन की, तो दूसरा नोटिफिकेशन जो आया वो MIPS रायगढ़ से आया है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एग्री एक्सटेंशन, ऐसे करके ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर रिटायर्ड प्रोफेसर, साइंटिस्ट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको अपना जो CV है और टेस्टिमोनियल्स वो आपको सेंड कर देना है 15 फरवरी 2021 से पहले career@mips.edu.in पे। अब देख ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो जो अगला नोटिफिकेशन है वो आया है महिला विकास संस्था वर्धा से, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस को, तो वर्धा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर हम पे स्केल की बात करें, तो आपको यहाँ पे स्केल जो है वो आपको एज पर UGC गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रूल्स अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देख ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो अगला नोटिफिकेशन जो आया है वो आया है AJK कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। तो यहाँ पे देखिए इनवाइट एप्लीकेशन फॉर पोजिशन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, विजुअल कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिजाइन, पैसन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, या HOD के लिए भी। इसके अलावा लाइब्रेरियन, हेड ब्रांच स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजुकेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट को भी यहाँ पे निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं हमें टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट, दोनों पोस्ट यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है अपना CV और अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या अपना रेज्यूम जो है वो आप भेज दीजिए jobs@ajkcs.com पर बिफोर 20 फरवरी 2021। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।